हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन गुड पुष्प ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। और आज है 7 नवंबर और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। ये फिर जल्दी जल्दी से मुझे विश कर दीजिए मेरी एनिवर्सरी। और एनिवर्सरी पे आज मैंने स्पेशल बनाया है आटे का हलवा और दीदी ने बनाया है पोहा, वो हमने अभी भोग लगवाने के लिए रखा है, तो आपके साथ भी अभी ज़रूर शेयर करेंगे, आपको भी टेस्ट करवाएंगे हलवा और पोहा। ये है हमारा पोहा हलवा, ये आपके लिए, आप भी खा सकते हैं, मुंह मीठा कर लीजिए। और साथ में मैंने बनाई है कॉफ़ी और अभी आपको मिलवाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कैसा बना पोहा? हलवा हलवे ठीक है, मीठा है ना, परफेक्ट है। और आज हम घर में बना रहे हैं सात्विक भिंडी और पनीर भिंडी की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे हमने राई, सौंफ और जीरा लिया है 1-1 चम्मच और कढ़ाई में थोड़ा सा हमने सरसों का तेल लिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और 2 छोटी हमने ली हैं हरी मिर्ची और यहाँ पे हमने 4-5 चम्मच हमने बेसन के लिए हैं। ये विदाउट अनियन गार्लिक बन रहा है खाना, तो इसके लिए हमने पहले पैन में जो हमने राई, सौंफ और जीरा है उसको ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा ही हमने भूनना है, उसके साथ ही हमने हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और साथ में फिर हम ऐड कर देंगे इसमें जो बेसन है उसको। हल्दी ऐड की है यहाँ पे, हल्दी ऑयल में ही ऐड करेंगे हम ताकि वो कलर थोड़ा सा अच्छा छोड़ देती है और भिंडी पे अच्छा कलर आ जाता है। और यहाँ पे बेसन ऐड कर रहे हैं, बेसन के 3 चम्मच पहले ऐड किए हैं, बाकी हम बाद में ऐड कर लेंगे भिंडी के उसके अकॉर्डिंग। कोटिंग होती है ना भिंडी के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कितनी कोटिंग होती है। तो मेरी दीदी सात्विक फूड बहुत ही अच्छा बनाती हैं और लड्डू गोपाल जी को हमने भोग भी लगवाना है, तो इसीलिए फिर हम बना रहे हैं आज सात्विक खाना। यहाँ पे नमक ऐड किया है, बेसन को अच्छे से भून लेना है हमने थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम रख के, और उसके बाद फिर हम इसमें जो ये भिंडी है उसको ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके हमें आइडिया लग जाएगा कि कितनी जो भिंडी है वो इस बेसन के अकॉर्डिंग सफिशेंट है। अगर आपको लगे कि थोड़ा कम बेसन है तो आप और ऐड कर सकते हो। मिक्स जब हम करते हैं तो भिंडी के ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्की सी कोटिंग होने लग जाती है बेसन की, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो और बेसन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमारी भिंडी की क्वान्टिटी है जो थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हमने जब बाकी की भिंडी भी इसमें मिक्स की तो हमें अभी देखिए इसमें बेसन की क्वांटिटी है जो वो थोड़ी कम लग रही थी, तो हमने जो बाकी बेसन बचा हुआ था उसको भी ऐड कर दिया है। ऑलमोस्ट हमने 4 चम्मच ऐड किए हैं बेसन के और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है अब, और इसको हमने बस बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक होने रख दिया है। और अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं पनीर की। यहाँ पे शिमला मिर्च है, इसको हमने काट लिया है, थोड़ी सी लाल हो गई थी एक शिमला मिर्च, वो भी काट ली है। आप चाहो तो कैसी भी शिमला मिर्च ले सकते हो। और काजू को हम भिगो रहे हैं गर्म पानी में, इसको हम एंड में डालेंगे। टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना ली थी, उसमें थोड़ा सा हमने जिंजर भी ऐड किया है। और यहाँ पे पैन में देसी घी लिया है और इसमें ऐड किया है हमने जीरा और सौंफ, इसको भून लेंगे। और उसके बाद फिर हमने इसमें ऐड करनी है हल्दी और लाल मिर्च ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अब इसमें टमाटो की प्यूरी, इसमें हमने हरी मिर्च और अदरक है जो उसको डाल दिया था, तो इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी यहाँ पे ऐड की थी, उसका क्लिप पता नहीं मुझसे मिस हो गया है। उससे क्या है कि कलर अच्छा आता है, कश्मीरी वाली लाल मिर्च है तो उसको भी ऐड किया है इसमें, तो जिससे क्या है ग्रेवी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। और फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे
और यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक से जो टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कुक करने के बाद ग्रेवी को इसमें हमने जो कटी हुई शिमला मिर्च है उसको ऐड करना है। कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे, उसकी रॉनेस को हमने निकालना है। उसको तब तक कुक करेंगे जब तक उसका जो रो का टेस्ट है उसका वो चला ना जाए। तो यहाँ पे आप ले सकते हो रेड वाली, ग्रीन वाली, येलो वाली बेल पेपर, कोई भी आप ले सकते हो। ये मेरी जो है ये दोनों ग्रीन वाली ही थी, पर वो ग्रीन वाली ही थोड़ी सी हल्की सी रेड होना स्टार्ट हो गई थी, हमने वो ऐड कर दी है। तो इसको हम अभी कुक होने देंगे थोड़ा सा, ताकि जो शिमला मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दिया है और उसका जो एक कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। अभी देखिए ऑलमोस्ट ये कुक हो ही चुकी है, बस थोड़ा सा अब इसको 5 मिनट और चलाएंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी और जो है वो गाढ़ी हो जाए। आप इसकी ग्रेवी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और भिंडी भी देखिए हमारी कुक हो रही है कितने अच्छे से, और बिल्कुल भी इसने ना लेस नहीं छोड़ी है भिंडी ने, देखिए कितनी ड्राई ड्राई है ना, ये बहुत ही अच्छे से बन रही है सूखी सूखी भिंडी हमारी। तो भिंडी को भी साथ साथ में हम हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लग जाए। और इसको हमने बिल्कुल ही जो मीडियम फ्लेम है उस पर रखा है। और शिमला मिर्च अभी कुक हो चुकी है हमारी, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो पनीर हमने काटा था, ये हमने आधा किलो लिया था पनीर, इसको हमने मिक्स कर देना है। और ये जो सब्ज़ी है ना, इसको आप परांठे के साथ इंजॉय कर सकते हो, या कहीं ट्रैवलिंग में लेके जाना हो तब भी आप लेके जा सकते हो इस स्टेज पे। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रहे हैं, क्योंकि भिंडी हमारे पास सूखी सब्ज़ी बनी हुई है, तो हम इसमें लगाएंगे ग्रेवी। तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो पानी है गरम, पर उससे पहले हम ऐड करेंगे इसमें जो काजू हमने भिगोए थे उसका पेस्ट। काजू हमने पहले इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि काजू फिर वो जब मसाले पकते हैं ना तो ज़्यादा भुन जाता है काजू का जो पेस्ट है, तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता है। तो इसको हमने यहाँ पे पानी ऐड करने से पहले ऐड किया है। तो ये देखिए अभी हम इसकी ग्रेवी एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमें थोड़ी सी ग्रेवी कम लग रही है, इसमें पानी थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा। बस इसको कुक कर लेंगे 10 मिनट तक, और हमारी जो पनीर की सब्ज़ी है वो एकदम रेडी हो जाएगी। भिंडी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुकी है भिंडी और पक भी चुकी है। कढ़ाई अभी गर्मी है, बस इसको हम अभी इसी स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको ढक देंगे, बाकी जो है वो अपनी जो स्टीम से है वो सेट हो जाती है भिंडी। लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने इसमें नींबू ऐड किया है, एक नींबू का रस ऐड किया है। आप चाहो तो आमचूर पाउडर ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें खट्टापन आता है। और लीजिए हमारी पनीर की सब्ज़ी भी एकदम रेडी है, थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड किया है, और साथ में ऐड करेंगे हरा धनिया, जिससे क्या है सब्ज़ी और भी शानदार और जानदार लगने लग जाती है। तो ये देखिए अभी पनीर ऐड कर दिया है, अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि पनीर जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, काफ़ी टेंडर भी है पनीर, और वो फिर टूटने लगेगा। अभी मैं और दीदी एंजॉय कर रहे हैं लंच। पुष्पिंदर का आज ऑफ है, वो कर चुके हैं लंच, नदर भी कर चुका है और पापा भी, और अभी हम दोनों कर रहे हैं लंच। भिंडी की सब्ज़ी सच में बहुत ही मस्त बनी है, आप इसको एक ट्राई ज़रूर दें। और पनीर भी बहुत ही अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा बना है। हमने पराठा बनाया था नदर के लिए, गोभी और पनीर वाला दीदी ने बनाया था, और दीदी भी इंजॉय कर रहे हैं खाना। दीदी अभी थोड़ा कैमरा शाई, अभी हो जाएंगे कैमरा फ्रेंडली। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम जा रहे हैं होटल दीदी को लेके, और वहाँ पे ही डिनर करेंगे। तो चलिए तो फिर चलते हैं। Thank you.
भी ले रहे हैं अभी सेल्फी। मैं खींच रही हूँ, कोई नहीं, ले लो सेल्फी ले लो। ये बाय करो नदर, बाय बाय करो मम्मा को। नदर का ब्लॉग बनाया मैंने, हाँ जी चल। जी इतने आज ठीक है। सचिन ऐसी बोल मिलो मेरे को, ये थोड़ा हमर दे। मम्मी ये भाई नीचे हो गया यार, फिर पापा नीचे हो गया। ये दोनों नीचे जाती ओके, मैं नहीं पीऊंगा। स्माइल प्लीज। सैमसंग चुप गया है, थोड़ा सा साइड अच्छा हो गया। चलो 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 चलो। Wait. कितने
ऐसी रही हमारी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपने इतने सारे मैसेजेस किए जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर की थी, अपनी ढेर सारी विशेज़ दी, ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। और जल्दी आपको मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक दें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।